नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मुंबई से आज दिल्ली पहुंचेंगे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। बॉलीवुड ने किया रेड कार्पेट पर स्वागत। आईबी का बड़ा खुलासा, पाक से रिहा होने वाले मछुआरे भारत की सुरक्षा के लिए हो सकते हैं खतरनाक। राज्य की पुलिस को मछुआरों की मॉनिटरिंग करने का मिला आदेश। सूखे और भूख की चपेट में अफ्रीका के 4 देश, 2 करोड़ लोग हैं सूखे से प्रभावित, मैदानों में बिछी जानवरों की लाशें। चीन और पाक की सेनाओं ने शुरू किया संयुक्त अभ्यास, दोनों देश बनाना चाहते हैं एशिया में ताकत। 9 से 30 अप्रैल तक चलेगा युद्ध अभ्यास। ईरानी सेना ने किया आईएसआईएस पर हमला, 22 आतंकी ढेर, रमादी शहर को आईएस के चुंगल से किया आजाद। यूक्रेन के उज़गोरोड शहर में 3 भारतीय छात्रों पर हमला, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर, हत्या की वजह का खुलासा नहीं। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के उम्मीदवार सार्वजनिक बहस में लेंगे हिस्सा, सदस्य देशों की ओर से सवाल जवाब का करेंगे सामना। 12 अप्रैल से शुरू होगी अनौपचारिक वार्ता। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।